ट्रबल एक डॉग का नाम है जिस पर ये मूवी है। इस डॉग के ओनर काफी रिच हैं। ये एक बड़ी सी मैंशन में रहते हैं। इसके ओनर का नाम मिसेस सारा होता है। वो ब्रेकफास्ट भी इसके साथ करती थी, इसके साथ खेलती भी थी, इसके साथ बीच पर भी जाती थी, यानी हमेशा वो ट्रबल को अपने साथ रखती थी। ट्रबल इस दुनिया का सबसे ज्यादा लकी डॉग था। अब एक दिन हम देखते हैं कि ट्रबल की आंख खुलती है, नई सुबह होती है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो देखता है उसे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, ना उसकी ऑनर वहां पर आ रही है, और वहां पर मुलाजिम यानी मेट्स फेरी जा रहे हैं। उसे कोई भी नहीं पकड़ा। उसे काफी हैरत होती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उसकी ऑनर की अब डेथ हो चुकी है। उसके ऑनर की एज काफी ज्यादा थी, तो इस वजह से वो इस दुनिया से चली गई। ट्रबल को अभी तक ये बात पता नहीं चलती। अभी कुछ ही देर गुजरी होती है कि उस मैंशन के बाहर मिस सारा के नीज और नेफ्यू आते हैं, जो काफी लालची होते हैं, क्योंकि मिस सारा का और कोई रिलेटिव तो था नहीं, तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों के नाम होनी थी, तो बस उसी पर ये हक जताने आए थे। ये लोग उस घर में आते ही चीजों को देखने लग जाते हैं और इनके मुंह में पानी आ जाता है। साथ ही साथ वो घर की फालतू चीजें भी कबाड़ियों को भिजवा रहे होते हैं। अब ये लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो ट्रबल इसके मुंह पर जंप लगा देता है, यानी मिस सारा की नीज के ऊपर, और उसे डॉग से काफी नफरत होती है, तो उसी सामान के साथ जो कबाड़ी के पास जा रहा था ट्रबल को भी उसी में भेज देती है। अब यहाँ पर मिस सारा की नीज और नेफ्यू प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक लॉयर से बात करते हैं। मतलब वो मिस सारा का ही लॉयर होता है, जो उन्हें मिस सारा की एक वीडियो दिखाता है जिसमें उन्होंने वसीयत की होती है, यानी उनके मरने के बाद क्या क्या होगा वो एडवाइस की जाती है। उसमें ये होता है कि उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके नीस और नेफ्यू के नाम ही होगी, जिसको सुनकर उनका नेफ्यू उछलना चाहता है और उनकी नीस उसे कंट्रोल करने को कहती है। लेकिन उनकी खुशी कुछ देर के लिए होती है, क्योंकि मिस सारा के लिए बात ये होती है, ये प्रॉपर्टी एक ही सूरत में इनको मिलेगी, अगर ट्रबल इनके साथ अच्छा महसूस करे, ये ट्रबल को अच्छे से अपना ले और इनका बॉन्ड काफी अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर इन दोनों ने ट्रबल को दूर भेज दिया होता है, तो लॉयर इनके नाम वो प्रॉपर्टी नहीं करता। अब ये दोनों प्लान करने लग जाते हैं कि किस तरह से ट्रबल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी है, और जब एक बार प्रॉपर्टी हाथ लग जाएगी तो ये लोग एक बार फिर से ट्रबल को घर से निकाल देंगे। उधर हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसमें ट्रबल और घर की बाकी चीजें होती हैं। पहले तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि मिस सारा की डेथ हो चुकी है, लेकिन जब वहां पर उनकी फोटोग्राफ्स देखता है और बाकी चीजें देखता है तो उसे ये बात पता चल जाती है। तभी रास्ते में वो गाड़ी किसी से टकराती है, उसका दरवाजा खुल जाता है और ट्रबल वहां से बाहर गिर जाता है। उधर मिस सारा का नेफ्यू हर जगह पर ट्रबल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। मिस सारा की नीस उसे बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है जहाँ से मर्सी उसे ढूंढ कर लाओ, और खुद वो मसाज करवाने में बिजी होती है, यानी अभी से वो मिस सारा के पैसों का काफी फायदा उठाने लगी थी। उधर हम ट्रबल को देखते हैं जो जंगल में जाकर गिरता है और वो ड्रग के साथ लगता है, जिसकी वजह से उस ड्रग में मौजूद सारे के सारे नर्स जो की स्क्वायरल्स ने यानी गुलहियों ने जमा किए होते हैं वो गिर जाते हैं, तो इस बात की वजह से गुलहियों को बहुत गुस्सा आता है और उसकी नेक बेल्ट लेकर वहां से भाग जाती है। ट्रबल उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसे रोड पर से किसी गाड़ी की आवाज आती है, वो उसका पीछा करता है और साथ ही साथ उसे मजे की खुशबू भी आने लगती है जो सॉसेजेस की होती है। वो उसी खुशबू को फॉलो करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है, उसे सॉसेजेस दिख जाती है, वो काफी भूखा भी होता है तो उनको खाने लग जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके सामने एक फीमेल डॉग है जो उसे सॉसेजेस खाने पर काफी डांटती है, तो ट्रबल वो सॉसेजेस वापस निकाल देता है। उन दोनों में काफी बहस होने लग जाती है, यानी वो भौंक रहे होते हैं, तभी वहां पर एक वर्कर उन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है। वो दोनों ही एक होटल की तरफ भाग जाते हैं, वो वहाँ काफी तोड़फोड़ करते हैं और उनके बर्तन भी तोड़ देते हैं। अब जैसे ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो रोड पर एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल जा रही होती है, ये लोग उससे टकराते हैं तो उसका पिज्जा नीचे गिर जाता है। ईमेल लोग उसका पिज्जा लेकर भाग जाती है और ट्रबल भी उसके साथ साथ आ जाता है। इस बात की वजह से ये लड़की जो पिज्जा डिलीवर कर रही थी काफी परेशान हो जाती है, जब अपने बॉस को जाकर सारी बात बताती है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, और ये चीज उसके लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजारने आई थी। जहाँ पर वो रह रही थी उसे वहाँ का रेंट भी पे करना होता था, और अब उसकी जॉब नहीं है तो वो क्या करेगी। उसकी आवाज काफी अच्छी होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अप्लाई करे। अब वो ऐसा कर देती है इसी उम्मीद के साथ कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। उधर हम देखते हैं कि मिस सारा की नीस और नेफ्यू ने एक ऐसे इंसान से कॉन्टेक्ट किया है जिसकी सुनने की सलाहियत काफी तेज है। वो सुनकर पता लगा सकता है कि कोई एनिमल या कोई इंसान कहाँ पर है। उसे ट्रबल के पिक्चर दिखाते हैं और वो ट्रबल को ढूंढने निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि ट्रबल और वही फीमेल डॉग जब जंगल में जा रही होते हैं तो वो डॉग ट्रबल से कहती है कि मुझे फॉलो मत करो, मुझे अपने रास्ते पर चलने दो और तुम अपने रास्ते पर जाओ। तभी ट्रबल देखता है कि जहाँ वो जा रहे हैं उसके सामने एक फैमिली पार्क है, पर अभी उसमें डॉग्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब ट्रबल वहां पर जाता है तो उसके गले में कोई नेक बेल्ट नहीं होती,
तो वो सारे डॉग समझते हैं कि शायद ये स्ट्रे डॉग है और उसे काफी बुरे से बात करते हैं, यानी वो उसे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे होते। वो ट्रेवर को अडॉप्ट हो जाने का मशवरा देते हैं और उसे कहते हैं कि रोड में बैठ जाओ, जैसे कोई तुम्हें देखेगा तो अपने साथ ले जाएगा। ट्रेवर उनकी बात सुन लेता है और रोड के बीचों बीच बैठ जाता है, लेकिन उस रोड पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है जिसके बाद ट्रेवर वहां डरने लग जाता है। पर तभी वहां पर वही पिज्जा डिलीवरी गर्ल आती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो इस डॉग को पहचान तो गई थी, लेकिन उसे लगता है कि इस डॉग को किसी सहारे की जरूरत है। अब यहाँ पर ये उसे अपने घर में ले आती है। वो खुद सिंगिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगती है और उसको फूड देती है, लेकिन ये फूड इतना अच्छा नहीं होता जितना ये मिसारा के घर खाया करता था, तो वो फूड खाने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर वही फीमेल डॉग आती है जो ट्रबल से पूछती है कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो कहती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकेगी। पर तभी उनका रियलाइज होता है कि जैसे उसे डिलीवरी गर्ल का कोई ऑनर आ रहा है। ट्रबल फौरन से उस लड़की के घर के अंदर आ जाता है। उस लड़की के घर में पिज्जा पड़ा होता है। ट्रबल वो पिज्जा खाने लगता है और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों खेलने लग जाते हैं और वो लड़की जब अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही होती है तो ट्रबल भी उसके साथ डांस और सिंगिंग करने लगता है, यानी वो अपने अंदाज में बार्ट करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती होने लग जाती है। वो लड़की उसे नेक बेल्ट भी पहना देती है। अब ये लड़की और ट्रबल उसी पार्क में जाते हैं, पर उसी पार्क में वो स्क्विरल्स भी होती हैं, ट्रबल ने जिनके नट्स जाया कर दिए थे। वो यहाँ पर ट्रबल से बदला लेने आती हैं, पर तभी जो वहां पर बाकी डॉग्स होते हैं वो ट्रबल के डिफेंस में आगे आ जाते हैं। उन सब की आपस में लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान वो आदमी जो ट्रबल का पीछा कर रहा था, जिसको मिसारा की नीस और नेफ्यू ने ट्रबल को ढूंढने के लिए भेजा था, वहां पर आ जाता है और उन सब की लड़ाई में उसे पता ही नहीं चलता कि ट्रबल कौन है। और वो वहां से स्क्विरल को उठाकर अपने साथ ले आता है। वो स्क्विरल उस आदमी से कहने लगती है, मैं ट्रबल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी उसको पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके बदले में मुझे ढेर सारे नट्स चाहिए, सोच लो। तो वो आदमी स्क्विरल की बात मान जाता है और उसे ट्रक फुल ऑफ नट्स दे देता है, यानी काफी ज्यादा नट्स दे देता है। और सारी की सारी स्क्विरल मिलकर उसे बताती हैं कि वो कहाँ पर है, यानी ट्रबल कहाँ रह रहा है। ये सारी स्क्विरल्स मिलकर उसे डिलीवरी गर्ल के घर जाती हैं और वहां का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाती हैं। ट्रबल सो रहा होता है पर उन्हें देखकर जाग जाता है। वो स्क्विरल्स वहाँ की हर चीज को तोड़ने लगते हैं और तबाहो बर्बाद कर देते हैं। अब वो लड़की जब अपने कमरे में वापस आती है तो अपने कमरे की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ट्रबल से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ट्रबल को काफी ऊंची ऊंची डराने लगती है, लेकिन ट्रबल अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कह पाता। इन लोगों की आवाज सुनकर वहां पर रूम ओनर आ जाता है। वो लड़की से कहता है, एक तो पहले ही तुम मुझे रेंट नहीं दे रही हो और ऊपर से ये डॉग को ले आई हो। वो उस डॉग को यहाँ से दूर भेज देता है किसी डॉग फार्म में, यानी किसी डॉग शेल्टर में, और उस लड़की को भी कमरा खाली करने को कह देता है। अब उसी डॉग शेल्टर में वही फीमेल डॉग भी होती है जो ट्रबल से मिलकर उसे कहने लगती है, मैं तुमसे पहले कहती थी ना कि इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं होते, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ट्रबल उससे कहता है, नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है। उधर हम उसी हंटर उसी आदमी को देखते हैं जो ट्रबल की तलाश में यहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की का सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, पर उसे ट्रबल की काफी याद आ रही होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रबल को लेने चली जाती है, चाहे उसका सिंगिंग कॉम्पिटिशन मिस हो जाए। पर जैसे ही वो वहाँ डॉग शेल्टर में पहुंचती है तो ट्रबल जा चुका होता है। उसे काफी दुख होता है और वो फीमेल डॉग भी समझ जाती है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ये वाकई ट्रबल से प्यार करती है। डॉग शेल्टर में सारे के सारे डॉग्स अपने खेत से बाहर आ जाते हैं और वो लड़की और डॉग्स और वो पार्क वाले डॉग्स भी सारे के सारे मिलकर ट्रबल की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर वो आदमी मिसारा की नीस और नेफ्यू को ट्रबल जाकर देता है, लेकिन वो उसे उसके पैसे नहीं देते। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इसे बदला जरूर लूंगा। उधर मिसारा के नीस और नेफ्यू प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने के लिए ट्रबल के साथ फेक रिलेशन रख रहे थे, यानी वो उसकी सर्विस कर रहे थे, उसकी खिदमत कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, लेकिन ट्रबल ये जानता था कि ये सब फेक है। और साथ ही साथ वो अपनी नई ऑनर को भी नहीं भुला पा रहा था, यानी वही पिज्जा डिलीवरी गर्ल। अब उधर वहां पर वो एनिमल हंटर स्क्विरल से कॉन्टेक्ट करता है, उनसे कहता है कि तुम ट्रबल को यहाँ पर ले आओ, तब तक लेकर आना, यानी तब तक उन्हें अपने पास रखना जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। उधर मिसारा के नीस और नेफ्यू लॉयर तक पहुंच चुके होते हैं और वो उन्हें ये बता रहे होते हैं कि ट्रबल अब हमारा गुड बॉय बन चुका है, हमारा बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका है, तो जल्दी से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। लेकिन लॉयर इतना भी बेवकूफ नहीं था, उसे कुछ देखना था। इतनी ही देर में वहाँ पे वो पिज्जा डिलीवरी गर्ल भी पहुंच जाती है। वो फौरन से ट्रबल को गले से लगा लेती है और उसे मिलते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ पर सारी बात खुलने लगती है। लॉयर को पता चलता है
कि इन लोगों ने, यानी मिस सारा की नीस और नेफ्यू ने ट्रबल को तो निकाल दिया था, और असल में जिसने ट्रबल की देखभाल की वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। और इस बात की गवाही वहां पर वो हंटर भी आकर देता है। अब लॉयर यहाँ पर मिस सारा की नीस और नेफ्यू को प्रॉपर्टी देने से इनकार कर देता है। अब इसके बाद वो एनिमल हंटर स्क्विरल से कहता है कि ट्रबल को पकड़ लो तब तक जब तक मेरे पैसे न मिल जाए। अब जैसे स्क्विरल ट्रबल की तरफ बढ़ती है तो वही फीमेल डॉग आकर ट्रबल को बचा लेती है और उन्हें जाने का कहती है। अब यहाँ पर फीमेल डॉग ट्रबल को बताने लगती है कि पिज्जा डिलीवरी गर्ल वाकई तुमसे बहुत प्यार करती है, और ट्रबल भी इस बात को जानता था कि असल में उसे प्यार कौन करता है और कौन प्रॉपर्टी के पीछे है। अब यहाँ पर लॉयर ट्रबल से ही पूछ लेता है कि तुम क्या चाहते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसे मिले और तुम किसके पास रहो। वो डॉग यानी ट्रबल इधर उधर देखने लगता है तो सारे उसे इशारों से कहते हैं, ट्रबल हमें अपना पेरेंट्स बना लो, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, देखो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ट्रबल जानता था कि उसे सच्चा प्यार कौन करता है। वो भाग कर उसे पिज्जा डिलीवरी गर्ल के गोद में आ जाता है और यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी लड़की के नाम कर दी जाती है और बाकी सब मुंह देखते रह जाते हैं। यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि लालच वाकई बहुत बुरी बला है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, ट्रबल इसलिए कि उसे प्यार करने वाली ऑनर मिल गई, और वो लड़की इसलिए खुश होती है कि उसे इतना प्यारा पेट मिल गया। उसे तो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर बात की जाए उसी फीमेल जॉब की तो उसे वहाँ का बटलर अपना पेट बना लेता है। अब यहाँ पर वो लड़की एक और काम करती है, वो इस मेंशन में मिसारा का स्टैचू बनवा देती है और इस मेंशन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख देती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही डॉग पार्क जिसमें सारे डॉग्स आया करते थे, ये लड़की वहाँ पर एक छोटा सा और कलरफुल सा स्टेज बनाती है और अपना गिटार लेकर वहाँ पर गाने लग जाती है। वहाँ पर सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसका गाना पसंद करने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।